मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा हुआ मेरे आने से पहले माधवी सो गई, वरना पार्टी शार्टी का टॉपिक छेड़ के मुझे सोने नहीं देती। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लियो? अरे माधवी तुम गहरी नींद में सो रही थी, मैं अचानक ऐसे आँख खोली तो मैं डर गया। सॉरी हाँ सॉरी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं नहीं, अभी आपने जगा ही दिया है तो मुझे आपसे कुछ कहना है। जाल कल्याण। अभी माधवी, अभी ये सोने का टाइम है, बात करने का टाइम थोड़ी ना है, तो सुबह फ्रेश होके बात करते हैं। चल चल। नहीं बहुत जरूरी बात है, मुझे अभी ही करनी है। ठीक से बैठिए। पडली विकेट। बोलो माधवी। क्या हुआ? आपका हाथ क्यों इतना कांप रहा है? पता नहीं, तुम बोलो ना। मुझे आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू? हाँ मतलब आप इस हॉलिडे के लिए अगर मना करते तो फिर रोज की रूटीन से ऐसे चेंज नहीं मिलता ना, लेकिन यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं। मैं तैयारी बाउंसर की कर रहा था, ये तो एकदम सिंपल बॉल डाल रही है, गुस्से से नहीं प्यार से बात कर रही है। और वैसे भी गोकुलधाम वाले भी सभी बहुत खुश है यहाँ आके। थैंक यू। और आपने सम्मान समारोह का आयोजन भी कितने अच्छे से किया। हाँ। और डिनर पार्टी? हाँ, आला बाउंसर। बढ़िया, मतलब पूछो ही मत। बस इतना ही कहना था, अभी सो जाते हैं। अरे ये काय बॉलिंग करते कळतच नहीं है। क्या हुआ, सोच क्या रहे हैं? मतलब तुम्हें और कोई बात नहीं करनी? नहीं। नक्की? हाँ। मतलब तुम्हारे मन में कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं करनी तुम्हें? अच्छा, शिकायत कसली? सगड़ा छान है। चलिए अभी सो जाइए, गुड नाइट। कमाल है, इतने बड़े कांड के बाद भी माधवी इतने प्यार से क्यों पेश आ रही है? क्या चल क्या रहा है इसके मन में? ये गुस्सा क्यों नहीं हो रही मुझ पर? अरे बाप रे, इसकी खामोशी ज्यादा खतरनाक है, मुझे रात भर सोने नहीं देगी इसकी खामोशी। माधवी सो गई क्या? कोशिश कर रही हूँ। हाँ देखो, तुम कोशिश कर रही हो मतलब तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है। क्या बात है, बोलो ना माधवी। ओ कोई बात नहीं है, मैंने बोल तो दिया जो बात थी वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ शिकायत है? ऐसे ही? नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं, कुछ तो किया होगा ना आपने जिसे आपको लग रहा है कि मुझे आपसे नाराज होना चाहिए। बोलिए क्या किया आपने? नहीं मतलब आज डिनर पार्टी में जो कुछ भी हुआ मुझे लगा उसकी वजह से तुम नाराज होगी। ऐसा क्या गलत हुआ पार्टी में? वो नहीं, बाघा ने नशा करके हंगामा किया, वो गलत हुआ ना। और वो किसकी वजह से हुआ हंगामा? कोल्ड ड्रिंक की वजह से। हमारी वजह से? कमल है, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मतलब इससे ये लग रहा है कि आपके दिल पर इस बात का बोझ है ना? हाँ। हाँ तो ठीक है ना, आपके दिल के बोझ को हल्का करते हैं। कैसे? कसम खा लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। देखना, कसम खाते ही आपको एकदम हल्का फील होने लगेगा। खाइए कसम। लीन बोल्ड, माधवी क्या बॉलिंग की है तुमने, लेकिन आत्माराम अगर तुमने कसम खा ली तो जिंदगी में कभी भी पार्टी शार्टी नहीं कर पाओगे। इन्हें कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया? सोच क्या रहे, खाइए कसम। हाँ मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज के मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी। क्या हुआ आपको? पता नहीं माधवी, शायद वो आज कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना तो इसकी वजह से सर्दी हो गई है। क्यों इतना ठंडा पिया आपने? अच्छा अभी कसम खाइए पहले।
बापरे मैं बाम लेकर आती हूँ आपके लिए, आप नाक पे लगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बाम की जरूरत नहीं माधवी, क्या है ना बाम लगाऊंगा ना तो वो आंखें जलती है, और वैसे भी नाक बंद नहीं हुई है, नाक खुली है। अगर बाद में ऐसा लगा तो मैं खुद से बाम लगा लूंगा। मैं अभी सो जाता हूँ, सोने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। चलो हाँ, गुड नाइट गुड नाइट। चीख वाले आइडिया ने बचा लिया। देवा, मेरे बाकी दोस्तों को भी कसम खाने से बचा लेना। आज तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। कितनी शर्म की बात है, एक डॉक्टर होते हुए तुमने ऐसा किया। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो लोगों को स्वस्थ रखे, बुरी चीजों से दूर रहने की नसीहत दे, पर तुम्हें ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर बच्चों को इसके बारे में पता चलता तो उन पे क्या असर पड़ता? पर मुझे नहीं पसंद है कि मेरे पति डॉक्टर होते हुए ऐसे उल्टे सीधे काम करे। तो तुम्हें कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद तुम पार्टी शाटी नहीं करोगे। खाओ कसम। हंस, सुना ना? हंस भागा दौड़ी करके थक गए ना बेचारे। मैं भी कितना गुस्सा करती हूँ, कभी कभी मैं बहुत बोलती हूँ ना हंस। गुड नाइट माय एप्पल पाई। मैं कसम लेता हूँ कि जब जब पार्टी शार्टी छोड़ने की कसम लेने वाली बात करोगी, तब तब मैं ऐसे ही सोने का नाटक करूंगा। अंजलि भाभी और माधवी भाभी को मैसेज करके पूछती हूँ कि मिशन कसम खिलाओ का क्या हुआ। अरे, कोमल भाभी का मैसेज? मेरे कसम खिलाओ वाले मिशन को हंस के नींद ने भस्म कर दिया। आप लोगों को सफलता मिली? कसम तो इन्होंने भी नहीं ली, कसम मुंह से निकले इससे पहले छींक निकल गई। मुझे भी कसम तो नहीं मिली, मगर बहुत सारी तारीफें जरूर मिली। मुझे लगता है चाचा जी भी जेठा भाई को कसम तो नहीं खिला पाए होंगे। बहुत स्मार्ट है जेठा भाई, पक्का कोई ना कोई बहाना करके बच निकले होंगे। मैं तो कहती हूँ ये कसम का प्रेशर रहने देते हैं। करेक्ट, यहाँ घूमने आए हैं ना तो बस घूमने का मजा लेते हैं। सही कह रही हो अंजलि भाभी, यहाँ एंजॉय करते हैं और इन्हें भी एंजॉय करने देते हैं। राइट, अभी के लिए लेट्स जस्ट एंजॉय। ठीक है, तो मिशन कसम खिलाओ कैंसिल, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। दिन से रात हो गई, पता ही नहीं चला। और फ्रेंड्स, हमें इस ट्रिप पे कितना मजा आया। नहीं, हाँ यार, ये ट्रिप तो हमेशा याद रहेगी। क्या मस्ती करना है? क्या कर रही है सोनू, कहाँ जाना है तेरा? पानी में। हा? पानी में मच्छी बिच्छी है क्या? कुछ भी देगी, स्विमिंग पूल के पानी में मच्छी कहाँ से आएगी दोस्त? तो फिर ये पानी में देख क्या रही है? हाँ फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी पिछले साल कोरोना की वजह से हमारी लाइफ एकदम स्विमिंग पूल के पानी की तरह हो गई, एकदम रुकी और ठहरी हुई थी। करेक्ट सोनू, ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर किसी ने स्टैच्यू बोला हो और वो अभी तक ओवर ही नहीं हुआ। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं, सब कुछ कितना अजीब सा हो गया है। हाँ यार, सब कुछ कितना बंद बंद सा लगता है, जैसे कैद में हो। और कभी कभी तो कॉलेज की बड़ी याद आती है यार। मुझे तो स्पेशली कॉलेज की कैंटीन की बहुत याद आती है, वो फ्रेंड्स के साथ चिल करना, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना, उनको मिलना, बहुत मिस करता हूँ। और देखो ना फ्रेंड्स, सबके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के एडमिशन रुके हैं, हर जगह एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा है। हाँ टप्पू, पता नहीं सब कुछ फिर से
नॉर्मल कब होगा? कब हम कॉलेज जा पाएंगे, कब बच्चे स्कूल जा पाएंगे? पता नहीं सब लोग अपनी जॉब्स पर बिना डरे कब लौटेंगे? पता नहीं कब इस पैंडेमिक से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा? फ्रेंड्स उठो। अरे उठो। अरे क्यों लेकिन? अरे उठ। अरे हाँ उठ रहा हूँ। सुनो आ जाओ। उठ क्या कर रहा है गोली? तो सही यार उठ। क्या हो गया? क्यों हो गया गोली? सुनो इस सिचुएशन को हमें सच मानकर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स हम यंग हैं, हम थोड़ी ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठकर उदास रह सकते हैं, बल्कि हमें इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सुरंग में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो लेकिन उसके अंत में रोशनी जरूर होती। उसी तरह फ्रेंड्स ये हमारे लाइफ में जो कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर आया है वो आई प्रॉमिस ज्यादा देर तक हमारे लाइफ की स्पीड कम नहीं कर पाएगा। अरे ट्रस्ट मी फ्रेंड्स फिर से सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा और बेहतर। बिल्कुल होगा, लोग खुद को सेफ रखने के लिए धड़ाधड़ वैक्सीन भी ले रहे हैं। यस एग्जैक्टली। और जैसे सब वैक्सीनेट हो जाएंगे फिर देखना ये कोरोना यूं दुम दबा कर भाग जाएगा। ऐसे ऐसे। अरे सोनू तो ऐसे दिल छोटा मत कर, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बस ये हुई ना बात। तो फिर फ्रेंड्स जैसे ही कॉलेज खुलेगी वैसे ही कॉलेज कैंटीन में मुझे तुम सब की तरफ से पार्टी चाहिए। हाँ पार्टी। और सामने वाली टीम को कैच पकड़ना होगा। जिस टीम ने कैच नहीं पकड़ा उस टीम के सामने वाली टीम को एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं जेठालाल के जोशीले और मेहता के मस्तानों के बीच में एक मुकाबला। 1, 2, 3
दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम गोकुलधाम निवासियों ने इस तरह से मौज मस्ती की है, लेकिन कल अभी एक खास चीज बाकी है। कल होगी बोट रेस। जी हाँ, सही सुना आपने भाई, मैदानी रेस तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बोट रेस होने वाली है कल। बड़ा मजा आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको आनंद जरूर आएगा, इसलिए आप जरूर देखिएगा कल की बोट रेस। और हां मित्रों, एक विशेष बात, कल 28 जुलाई 2021 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा 13 वर्ष पूर्ण करके 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मित्रों, 28 जुलाई 2008 को प्रारंभ हुआ ये सफर, ये हास्य की यात्रा आज आपके प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से इस मुकाम पे आप पहुंचा है, और इसीलिए हम हमेशा की तरह मनाएंगे कल 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस, आओ मिलकर सभी मनाएं हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवां है, हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। दुनिया के दरबार में देखो, हंसी का शाही ठाट है। हंसी खुशी से रहना यारो, हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी, होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस, आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। खूब हंसिए, खूब खुश रहिए, खुद तो हंसिए, आसपास के लोगों को हंसाइए, मुस्कुराहट बांटिए, हंसी फैलाइए, और बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.